हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाधिवार, मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जो कि साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये हेयर स्टाइल मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ गले के नेकलेस के साथ। तो आपके पास भी इस तरीके का नेकलेस और ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो बट कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और ये मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो जा चुकी है चैनल पे, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको ये सारा मेकअप ट्यूटोरियल बताया है। अगर आप घर पे मेकअप करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही ईजी और स्टेप बाई स्टेप के साथ बताया है ये लिपस्टिक कैसे लगाई है सब कुछ, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को साड़ी के लिए बता रही हूँ, तो इस तरीके से बीच की पार्टीशन करूंगी। ओके, बीच की पार्टीशन करने के बाद से नेकलेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं एंड इस तरीके से अपने क्राउन एरिया के सारे हेयर को उठा लेते हैं। ओके, उसके बाद क्लचर की मदद से इन सारे हेयर को ऊपर की तरफ ही सेट कर देंगे। बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है, इसको आप लहंगे वहंगे के साथ भी बना सकते हो। और इस तरीके से नेकलेस को लिया है। ओके, और यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे ताकि ये इतने में ही टिका रहे। अब ऊपर के हेयर को ओपन कर देंगे। ओके, अब हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करेंगे। हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको पूरी यूटी की जरूरत पड़ेगी, बॉबी क्लिप्स की। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बालों को अच्छे से कॉम करेंगे। जितने हेयर हमारे पहले लिए थे हमने ये नेकलेस लगाने के लिए उतने ही हेयर लिए हैं एंड हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करेंगे और एक हल्का सा पफ बना देंगे। ओके, ट्विस्ट करेंगे आगे की तरफ, पुल करेंगे देन क्लिप से सिक्योर कर देंगे नेकलेस का जो धागा है उसको भी साथ के साथ ही लगा लीजिएगा ताकि ये निकले नहीं या फिर बाद में लूज ना पड़े। ओके, अगर पफ लगेगी थोड़ा पर चक रहा है मतलब फ्लैट हो रहा है तो उसको खींच के आप ऊपर की तरफ कर सकते हो। अब जो लेयर्स निकालने हैं आपको पहले ही निकाल दीजिएगा एंड बालों की अच्छी सी ट्विस्टिंग बनाएंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा हेयर उठा के ट्विस्टिंग करते जाएंगे। फ्लैट भी रख सकते हो और ट्विस्टिंग करना है तो आप ट्विस्टिंग भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे फ्लैट नहीं रखा है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है बालों को। इसके साथ आप चाहो तो जूड़ा भी बना सकते हो और चाहो तो ऐसे ही सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद सारे बालों को कर्ल्स कर दोगे तो बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। ध्यान दीजिएगा जो आपका नेकलेस है ये ऊपर की तरफ से दिखाई दे तभी जो हेयर स्टाइल का लुक है वो अच्छा आएगा। अब इसको भी बैक साइड में ले जाके इस पे सिक्योर कर लेंगे।
उसके बाद आपको सारे बालों को कर्ल कर लेना है या फिर फुल स्ट्रेट कर लेना है, और जो फाइनल लुक होगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। अगर आप इसके साथ टीका लगाना चाहते हो तो टीका लगा सकते हो। कर्ल कैसे करना है बालों का उसका डिटेल वीडियो चैनल पे जा चुका है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। इसका टीका कुछ इस तरीके का है। तो आप चाहो तो टीका भी लगा सकते हो। अंदर की तरफ से लगाओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए मैंने ऊपर से कर दिया, तो आप इसको अंदर की तरफ से करिएगा। वन सेकेंड, ओके। तो कैसा लगा ये हेयर कैंड आइडिया हेयर स्टाइल का? आई होप कि पसंद आया हो आपको। बिंदी थोड़ी सी नीचे कर लेंगे। इसके साथ आप इसकी ईयरिंग्स भी डाल सकते हो, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा। इस तरीके से लेयर जरूर निकालिएगा, और चाहो तो इसको कर्ल कर सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो मैसी लुक क्रिएट करने के लिए।